हेलो गाइस, मैं हूँ चंदन। सभी को मेरा नमस्कार। और ये मेरा 5G का मोबाइल है, उसका मॉडल है MI 10i। पहले क्या हुआ था ना, मेरे जियो वेलकम ऑफर नहीं लगाया था, तो इसलिए मेरे मोबाइल में 5G सपोर्ट नहीं था। और एक भी कारण है जिसके लिए मेरे मोबाइल में ये 5G नहीं चल रहा था, क्योंकि इसका कारण है MI 10i में जो 5G का जो बैंड्स है उसको सपोर्ट नहीं किया था, मैंने सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसका मतलब उसके उसमें नहीं था मेरा मोबाइल में ये जो का जो 5G बैंड से। अभी अभी क्या हुआ है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट के 14 MI 14 का जो लेटेस्ट अपडेट है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा जो लेटेस्ट अपडेट है, देखिए MIUI वर्सन 14.03, ये जो हमारा जो अपडेट हुआ है उसके बाद ये जो 5G जियो का जो 5G है वो MI 10i में सपोर्ट कर रहा है। अभी अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे मोबाइल में कैसे 5G चल रहा है। देखिए देखिए मेरा मोबाइल में ये जियो का ही 5G हो है, दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। देखिए ये मेरा 5G का ऑन है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, 5G बड़ा आराम से चल रहा है। आप एक काम कीजिए, यदि आपके मोबाइल में यदि MI 10i का आपके पास मोबाइल है तो यदि यहाँ चलने नहीं चल रहा है तो आप काम कीजिए, आपके सेटिंग में जाकर, अबाउट फोन में जाकर, आपका लेटेस्ट जो है MI का UI का वर्सन जो सॉफ्टवेयर सिस्टम अपडेट है उसको आप अपडेट कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए ना, जियो माई जियो एप्लीकेशन में जाके, ये जो जियो आपके एरिया में हुआ कि जियो का 5G है कि नहीं, इसको में उसके चेक उसको चेक कर दीजिए एक बार। उसके बाद आप एक काम कीजिए, आपका मोबाइल को स्विच ऑफ करके आपको सेम दोबारा डालिए। क्या हुआ था ना, मैं जब सॉफ्टवेयर अपडेट किया उसके बाद जब 5G को चलाने के लिए जब ऑन किया, वो हमारा 5G में से नहीं चला। उसके बाद मैं क्या किया ना, जियो के ऑफिस गया था। उसके बाद वो ऑफिस जियो वालों ने मेरा मोबाइल को लेके वहाँ पे सिम को फिर से निकाल के एक बार फुल इंसर्ट किया, दोबारा इंसर्ट किया। उसके बाद मैं अभी जब चला रहा हूँ, मेरा 5G ऑन हो गया। तो आपको यदि कोई दिक्कत आ रहा है तो आप जियो ऑफिस जाके आपका सेटिंग कर लीजिए। थैंक यू।